नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट यूजी 2022 में झारखंड में अभी तक कितने एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन की बात चल रही है। तो जैसा कि आप सबों को मालूम है कि रिम्स में पहले से 180 एमबीबीएस की सीटें हैं, एमजीएम जमशेदपुर में 100 है, पीएमसीएच या एसएनएमएमसीएच धनबाद में 50 सीटें हैं, दुमका मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और पलामू मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटें हैं। लेकिन जो ये तीन दुमका, हजारीबाग और पलामू के मेडिकल कॉलेज हैं, ये परमिटेड कॉलेज हैं और इनको एनएमसी के द्वारा प्रतिवर्ष परमिशन ग्रांट होना होता है कि इस साल एमबीबीएस सीटों में यहाँ एडमिशन होगा कि नहीं। तो आधिकारिक रूप से अभी तक हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को इस बार के सेशन के लिए भी 100 सीटों पर एडमिशन की अनुमति मिल गई है। दुमका और पलामू का पत्र अभी आना बाकी है। ओवरऑल एनएमसी ने झारखंड को 100 एक्स्ट्रा सीटें दी हैं। इसमें जो है किस कॉलेज को ये सीट मिलेगी, ये अभी भी एक पहेली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिम्स में 180 के स्थान पर 250 सीटों पर एडमिशन की बात चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएमसीएच धनबाद के 50 सीट को बढ़ाकर 100 सीटें किया जाए। लेकिन जब तक एनएमसी के द्वारा क्लियर कट या एनटीए के द्वारा जो भी परमिशन दिया गया है उसको स्पष्ट नहीं किया जाता है, तब तक ये दुविधा कायम रहेगी कि इस बार कितने एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन होगा। और जो नए मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें दुमका और पलामू पर इस बार क्या 100-100 सीटों पर अनुमति मिलेगी, ये भी देखने की बात है। लेकिन ऐसा विदित होता है कि जैसे ही झारखंड यूजी की काउंसलिंग 2022 में शुरू होगी तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर इस बीच कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।